पंचायती राज व्यवस्था से टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो लोग एडीओ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है, ये सेकंड क्लास है, ठीक है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। समय के बारे में बात करें तो समय आपका 7:30 से 8:30 की क्लास रहती है रिकॉर्डेड, जो कि आपके व्यापम और पीएससी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और साथ ही यह कहना चाहूँगा कि जो लोग हॉस्टल वाड़ाने की तैयारी करना चाहते हैं, 12 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है, यानी कि आज शाम से ही प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम देखेंगे एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी का पहला प्रश्न आपके सामने। पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। आज मैं टोटल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर, टेस्ट सीरीज के तौर पर वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पंचायती राज व्यवस्था से पूछे गए हैं। देखिए, और एडीओ में पंचायती राज व्यवस्था में 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फिलहाल आप लोग एक बार रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। रिवाइज का मतलब होता है प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। क्या पता आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सेकंड है, संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन? तो भाग 9 अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन, अनुच्छेद 40 भाग 9 में, ठीक है। टोटल आपको मैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा वन लाइनर के तौर पर, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता का विकेंद्रीकरण पर। एक बार फिर से रिवाइज करते जाइएगा, मैं बार बार नहीं कहूँगा। जो लोग सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, यानी कि एडीओ का जो वैकेंसी है बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप डेली क्लास करना चाहते हैं हमारे चैनल पर तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आप सभी को मालूम होना, जनता को प्रशासन में भागीदारी बनाना, यानी इसका मतलब होता है जनता को प्रशासन में योग्यता बनाना, भाग विधि बनाना, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था समिति किस पर गठन किया गया? तो आपको मालूम होगा ब्लॉक समिति पर। और किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था वर्णन है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत, याद रखना। जो आपके पंचायती राज व्यवस्था है, मैं आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता 1, 2, 3, 4 इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता, लेकिन यहाँ पर बहुत कम समय बचा हुआ है, मेरे को हॉस्टल वाड़ाने की क्लास भी लेना है, इसीलिए मैं जो एडीओ का जो एक सीरीज है, यानी कि सब्जेक्ट जिस पर आपका पंचायती राज व्यवस्था में 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुविकल्पी प्रश्न है, उसका पंचायती राज में आएगा ही आएगा। तो आपको टोटल मैं 50 MCQ ले आया हूँ वन लाइनर के तौर पर, ठीक है। तो रिवाइज करके जाइएगा, किसके अंतर्गत? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। जो पंचायती राज व्यवस्था है आपको कौन सा संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 73वां संविधान, ठीक है, 73वां संविधान। और 73वां संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची, इसको याद रखना, 11वीं अनुसूची, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन है तो कौन उत्तरदायी होता है? राज्य निर्वाचन, याद रखना। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु ये आपका राज्य निर्वाचन आयोग जो है उत्तरदायी होता है। जबकि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया है? 25 अप्रैल को, याद रखना। एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया है, जो अधिनियम है आप सभी को मालूम है, पंचायती राज व्यवस्था 1993 25 अप्रैल को लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया? ऐसे एग्जाम में पूछता है, इसका डिटेल में आपको क्लास करा चुका हूँ, वो वीडियो आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? 1959 में राजस्थान राज्य के नागौर जिला में। कौन से? नागौर जिला में, राजस्थान राज्य के, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में लागू किया गया, ठीक है, 11 अक्टूबर को, ठीक है, 11 अक्टूबर को सेकंड पंचायती राज व्यवस्था आंध्र प्रदेश में लागू किया गया है। डेट आप याद रखना, 11 अक्टूबर। फिर से मैं कह देता हूँ, रिवाइज करके जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ पंचायती राज व्यवस्था का 50 टेस्ट के रूप में।
पहला क्या बताया था, पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था, 1959 में राजस्थान राज्य के नागौर जिला। और देश के सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम। याद रखना, देश के लिए यानी कि छत्तीसगढ़ में जो सामाजिक और सांस्कृतिक का जो उत्थान है सामुदायिक विकास के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। और भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ है, 2 अक्टूबर 1952 को। और ये किसकी सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थापना की गई है, ठीक है। क्या आएगा जल्दी से बताइएगा, किसकी सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है, क्या होती है, ग्राम पंचायत। जो भी मैं टेस्ट ले रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बनती है। अगर आप लोग तैयारी करना ही चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहना। अगर आप लोग को तैयारी नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को स्किप कर सकते हैं। पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर है, तो सरकारी अनुदान पर। किस पर, सरकारी अनुदान। देखिए, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसकी समिति की सिफारिश पर, के एम मुंशी समिति, ना कि बलवंत राय मेहता समिति। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो ग्राम पंचायत की जो आय का स्रोत होता है ग्राम पंचायत को, वो आपका मेला व बाजार होता है, मड़ई मेला होता है, ठीक है, जो ग्राम पंचायत के आय का स्रोत होता है। अब किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम को, ये तीनों जो है पंचायती राज प्रणाली नहीं है, बाकी सभी, इन तीनों को छोड़कर सभी राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। और पंचायती राज प्रणाली ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है, ग्राम स्तर पर, याद रखना। और पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, ना कि 6, ठीक है। पंचायत चुनाव हेतु, ठीक है, पंचायत के जो चुनाव हैं वो निर्णय राज्य सरकार करता है, ठीक है, कौन करता है, राज्य। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर होना चाहिए, सिर्फ 6 माह, मात्र 6 माह के अंदर, याद रखना। क्या आएगा, यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है, सिर्फ 6 माह। पंचायती राज के सुधार हेतु कौन सी समिति बनाई जाती है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीवी के राय समिति, एलएम सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति, ठीक है। तो समिति से मैं आपके लिए कल से क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, तो आंध्र प्रदेश, 11 अक्टूबर 1959, याद रखिएगा। और किस समिति ने पंचायती को संवैधानिक दर्जा दिया गया था सिफारिश के तौर पर, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। त्रिस्तरीय कभी भी एग्जाम में पूछा जाए, याद रखना, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत, ग्राम सभा नहीं होता, ग्राम सभा नहीं होता। पंचायती राज व्यवस्था 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति ने दिया था, अशोक मेहता समिति ने, किसने, अशोक मेहता समिति ने। यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है, तो ये देखिए फिर से ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो में ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा, एडियो के लिए खास तौर पर। 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज के लिए किस प्रकार चुनाव रखा गया है, तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, ठीक है। अब पंचायत चुनाव के लिए हमेशा आपको मालूम है 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत एक छोटी तिहाई सीट के लिए, हमेशा याद रखना, ग्राम पंचायत पूछे 73। पंचायती राज का विषय जो है आपका राज्य सूची,
और पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व होता है कौन करता है? ग्राम प्रधान। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन दो स्तर कभी भी पूछा जाए, अशोक मेहता समिति। जब भी पंचायती राज संस्था में जो संगठन होता है उसमें सिर्फ दो स्तर ही होता है, वो आपका अशोक मेहता समिति ने ही दिया था। हमेशा अगर कभी भी दो स्तर पूछा जाए डायरेक्ट आप अशोक मेहता समिति लगा दीजिएगा, ठीक है। और निधि का जो किया था सरकारी अनुदान पर, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। पंचायती राज में मंत्री बनाने की सिफारिश भी अशोक मेहता समिति ने दिया था। किसने? पंचायती राज मंत्री बनाने के लिए किसको? सिफारिश के लिए। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, याद रखना। सबसे पहले किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। और पंचायत के जो मुख्य कार्य कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। कितने हैं? 29। संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र कब जोड़े गए हैं? तो 96 में। अब स्थानीय स्वशासन का जनक यानी कि लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस को कहा जाता है। टैक्स पूछा जाए अशोक मेहता समिति, ठीक है। और पंचायती राज को संविधान किसकी सरकार के लिए? नरसिंह राव। कब लागू हुआ? 24 अब एक मिनट ना, ये आपका 25 अप्रैल 1993 को पंचायती राज देश में लागू किया गया। और जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत मुख्य कथन है आपका अशिक्षा और सरकारी पर निर्भर। ये आपका टोटल 50 MCQ हम देख चुके हैं पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था जो आपके ADO का एग्ज़ाम बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। ADO का मतलब होता है सहायक विकास विस्तार अधिकारी, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की जो घंटी रहता है ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। टोटल 50 MCQ, कल से आपका पंचायती राज व्यवस्था से क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है। नए समय पर 8:30 के रात से 9:30 के बीच में, ठीक है। अब हॉस्टल वार्डन की बात बहुत लोग पूछ रहे थे तो उसकी भी वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं तो आज से हमारे चैनल पर एक न्यू बैच प्रारंभ किया जा रहा है हॉस्टल वार्डन के लिए, जिसमें कंप्यूटर का टोटल 50 MCQ प्रश्न पूछा जाता है। इसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य रहता है, नहीं तो आपका OMR शीट चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम देखेंगे कल से हॉस्टल वार्डन की क्लास।